कर्मों का फल तो इसी संसार में मिल जाता है यीशु के बलिदान की जरूरत नहीं आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि भाई जैसा बोगे वैसा ही काटोगे सब कुछ यही सेटल हो जाता है आपके जो कर्म है उनका फल भी यही मिल जाता है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो मिट्टी में चला जाता है बस खत्म उसके बाद ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है ना कोई अनंत काल का जीवन इसलिए आप जो ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर मारा गया इसकी ना कोई जरूरत है ना कोई अर्थ बनता है मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है फोन पर तो पंद्रह साल से मैं उन्हें सुसमाचार सुनाता हूँ और बाइबल के बारे में समझाता हूँ तो पंद्रह सालों में वो यहां तक तो पहुंच गए हैं वो कि वो मान लेते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है उसमें कुछ भी बुराई नहीं है कोई भी पाप नहीं है इसलिए अगर मनुष्य को परमेश्वर से अपना संबंध बनाना है तो मनुष्य को भी पवित्र होना होगा उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए तभी वो संबंध बन पाएगा इतना तो मैं मान लेता हूं लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसके आगे जो तुम बताते हो कि इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि हर मनुष्य में पाप है और उन पापों के लिए फिर परमेश्वर ने स्वयं अपना बलिदान दिया ये मैं स्वीकार नहीं करता मैं ये मानता हूं कि जो हमारे पाप हैं उसका दंड हमें यहीं पर भुगतना पड़ता है उसके लिए कोई नर्क में डाले जाने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा ही वो सोचते हैं अभी भी पंद्रह सालों के बाद और वो ये भी कहते हैं कि उनको अपने जीवन में दिखाई देता है कि जितने भी अच्छे कर्म वो करते हैं उसके भी फल उनको मिलते हैं और जितने भी बुरे कर्म वो करते हैं उसके भी फल उनको मिलते हैं तो सब कुछ यहीं पर हो जाता है सेटल ऐसा उनका मानना है और वो भी यही मानते हैं कि जब हम मरेंगे तो हम मिट्टी में चले जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं है तो पहली बात तो ये है कि ऐसी जो फिलॉसफी होती है उसमें पुनर्जन्म रीबर्थ या री इनकारनेशन इसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता जो कि हिन्दू धर्म में सिखाया जाता है कि आपके कर्मों के आधार पर ये निश्चित होता है कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे इसका मतलब उनके हिसाब से मृत्यु पर सब कुछ खत्म नहीं होता एक और जन्म और एक और जन्म उसके बाद होता रहता है लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जैसे वो हिंदू हैं तो ऐसे ही कई लोग जो आपको ये बात बोलेंगे वो भी हो सकता है हिंदू धर्म से हों तो आज सबसे पहले उनको ये बोलिए कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते या फिर आप हिंदू धर्म की सभी बातों को नहीं मानते हैं सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार यहां वहां से जो चीजें आपको ठीक लगती हैं वो आप ले लेते हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं क्योंकि इस्लाम में भी ऐसा ही लिखा है कि एक जन्नत है एक जहन्नुम है लेकिन अगर कोई आपको मुस्लिम मिलता है जो कहता है कि नहीं सब कुछ यहीं सेटल हो जाएगा और मरने के बाद मनुष्य मिट्टी में चला जाएगा तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये है कि आप इस्लाम की सभी बातों को नहीं मानते हैं जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लेते हैं जो नहीं समझ आती है वो छोड़ देते हैं तो पहली बात तो यह दूसरी बात ये है कि वो मनुष्य फिर भी बोलेगा अच्छा चलो भाई ठीक है मैं मान लेता हूं कि मैं सिर्फ नाम का हिंदू हूं या नाम का मुसलमान हूँ सब कुछ नहीं मैं मानता जैसा उनमें सिखाया जाता है धर्मों में लेकिन वो सब आप छोड़ो और इस सवाल का जवाब दो कि भाई जो बोता है वैसा ही काटता है क्या ये आपको लॉजिकल नहीं लगता तर्क संगत नहीं लगता कि आपको ऐसा लगता नहीं ना कि नेचुरल लॉ है ये प्राकृतिक है ऐसा सवाल वो हमसे कर सकते हैं तो पहली बात तो ये है आप उनसे पूछिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि भाई जैसा बोोगे वैसा ही काटोगे अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम पर देख सकते हैं यह वीडियो हमारे माइक के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में माई के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें यह एकदम फ्री है इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें यह भी एकदम फ्री है इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम टाइप करें मतलब पूरा हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblestudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुत ही कम डाटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है